तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का। तो ये आपका सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम में हिंदी का, जेनिक इलेक्टिव का। आज हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम पैटर्न प्रीवियस ईयर का पेपर जानेंगे। इसका पेपर एक्चुअली आता कैसा है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो बेसिकली हिंदी है और बीकॉम वालों के लिए हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस की बात की जाए, इसमें चार यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहली यूनिट का नाम है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी की उपभाषा है। इकाई टू में आप पढ़ोगे हिंदी का साहित्यिक इतिहास। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में बताइए। हिंदी की उपभाषाएं कितनी प्रकार की होती है। इकाई टू में पढ़ोगे हिंदी का साहित्यिक इतिहास, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, मध्यकाल, सामान्य परिचय। हिंदी का साहित्य इतिहास आधुनिक काल, सामान्य परिचय। इकाई थ्री में पढ़ोगे कबीर, राग साखी, गुरुदेव, मीराबाई की, ये सारे इनके कवि हैं, और बिहारी की रहेगी। और चौथी इकाई में आधुनिक हिंदी कविता, मैथिली, शरण गुप्त, भारत भारती, हमारे पूर्वज, जयशंकर प्रसाद की इमादी, ट्रंग संघ से नागार्जुन की अकाल, और उसके बाद। तो पूरा सिलेबस है, इसका पेपर देख लेते हैं। इसका पेपर बेसिकली आता कैसा है। तो देखिए, जेनिक इलेक्टिव हिंदी ए का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर। आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और सभी प्रश्न आपको करने होंगे। पहले प्रश्न में आपको टिप्पणी करनी होगी कि दो पर, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, खड़ी बोली का क्षेत्र, पूर्वी हिंदी। दूसरे में आपका निम्नलिखित में से कहीं दो पर टिप्पणी आपको लिखनी होगी, सिद्ध साहित्य, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारत तेंदु युग, प्रगतिवाद, ये सारे उसी गए आदिकाल मध्यकाल के कवि हैं सारे, ठीक है। तीसरा आपका कबीर की सामाजिक चेतना प्रकाश डालिए, बिहारी का काव्य भक्ति नीति और श्रृंगार का समन्वय, इस कथन को विचार कीजिए, नागार्जुन का साहित्यिक परिचय लिखिए, हिमाद्री ट्रंग संघ से कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, ठीक है। और पाँचवें में आपसे पूछेगा कबीर गुरु गरबा मिल्य, तो ये आपका प्रसंग दे दिया गया होगा, इसकी व्याख्या आपको करनी होगी, अथवा इसमें आपको ऑप्शनल भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पूरा पेपर का रहता है। तो पेपर थोड़ा इजी है, बट बीकॉम वालों के थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। थैंक यू।